इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। चित्र का अनावरण का स्वभाव प्राप्त करें। प्रतिदिन दशहरा से शरद पूर्णिमा तक उपस्थित महानुभाव आपके लिए एक सूचना है। आचार्य भगवान ने बहुत से हाइकु लिखे, उस पर किताबें प्रकाशित हुई हैं और उस पर एक प्रतियोगिता है ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक तालियां बजाकर एक बार अनुमोदन कर दें। मूक माटी, यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान की मूक माटी आपको प्राप्त हो तो चल चर का हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल जो प्रतियोगिता हुई थी उसके पुरस्कार 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस को प्रदान किए जाएंगे। सभी दोनों घनसौर और पिंडरई के लोगों से निवेदन है, जो पदाधिकारी हैं वे जाएं, दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। जोत से जोत जला। चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, एक बार दर्श कर ले बरसों की प्यास मिट जानी, चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पे चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, एक बार दर्श कर ले भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की एक सभी के लिए सूचना। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जो अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पुस्तक है उस पर आयोजित थी और उसके विजेताओं को कल 2 अक्टूबर को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कल उसके पुरस्कार विजेता पधार रहे हैं, अपना आई कार्ड चल चरखा शोरूम से ले लें। सभी के लिए निवेदन, जो उसके पुरस्कार विजेता पधार रहे हैं उनका आई कार्ड चल चरखा हथकरघा केंद्र से प्राप्त कर लें। मूक माटी की प्रति यदि आपको प्राप्त करना हो तो चल चरखा हथकरघा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइकु उसके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक है विद्याधर से विद्यासागर, ज्योतिर्मय ग्रंथ, और इन सब में चल चरखा हथकरघा केंद्र से रियायती दरों पर आचार्य भगवान द्वारा रचित ये सब शास्त्र आप प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित महानुभाव आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी को आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आचार परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का। आओ बाबा एक बार, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा मिला लो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत आ बाबा पधारो बाबा, आओ
बाबा मेरा जो बाबा। मैं आवाज दे रहा हूँ सबसे पहले वर्धमान कुर्ता पैजामा परिवार गांधीनगर दिल्ली। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना में 51,000 रूपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर ज्ञान दान की अनुमोदना। आप आए दो व्यक्ति आचार भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुषमा जी जैन भोपाल, आपने सोने का पेंडल चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में दान दिया है। तालियां बजाइए स्वर्ण दान के लिए। आप आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। घनसौर समाज, अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य परमेश जी के सत्संग चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। महावीर प्रसाद जी, पवन प्रदीप जी हरियाणा से हैं। आपने सोने की अंगूठी और 11,000 मंदिर निर्माण में अपने स्थान से खड़े होकर नमन करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। पिंड रही जय समाज, जहां आरिका सकलमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है एवं नवीन जिनालय के पंच कल्याण की भावना लेकर आए हैं, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर लालचंद ललवानी बिलासपुर से पधारे हैं, सिंधी समाज से। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तेंदुखेड़ा जैन समाज पधारी हुई है दमोह से। तेंदुखेड़ा खड़े होकर अभिवादन, आपका अभिनंदन है। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर हार्दिक अभिनंदन है। सुरभि श्री शुभम जी, सुषमा जी जैन, जो हमारे जैन समाज का गौरव है, तहसीलदार हैं भोपाल से। आप भी आए आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय कुमार सुंदरलाल जी, जिनेन कुमार जी धुलिया, आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक व्यक्ति आए श्रीफल भेंट करते चले, श्रीफल दे दें। राजेश जी, भावना भूमिका राहुल जी आ घनसौर से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वरुण जी, अनंत जी, दीपक जी नोएडा दिल्ली से पधारे। रजनी जी सब परिवार, आपने सांस प्रदान करने तो 51,000 के माध्यम से सौभाग्य। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, ज्ञान दान की अनुमोदना करें। सुरेश जी, संदीप जी, निर्मला अलवर राजस्थान से, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। स्वर्गीय दिनेश चंद जी की पुण्यस्मृति में इंदिरा जी, विवेक जी, अनिला जी, मुझे बागी दौरा से हैं, मेहता परिवार, एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रूपए की स्वीकृति दी है। ताराचंद जी, राजकुमार जी, निर्धम कुमार जी जयपुर राजस्थान से हैं, आपने सांस भेंट करने का सौभाग्य 51,000 के माध्यम से प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। दो व्यक्ति आए सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। व्रती नगरी पिंडरई से विद्यासागर नव युवक कमेटी पधारी हुए, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सकल दिगंबर जैन समाज कंचन बिहार जबलपुर, जहां वंदनीय आरिका चिंतनमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है और कल प्रदोम महामंडल के लिए विधान के लिए आशीर्वाद के लिए पधारे, तालियां बजाकर अनुमोदना। शुभम जैन, भूपेंद्र जैन जो IPS है सिरोन से, आपने भी 51,000 के माध्यम से सांस भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुकेश जैन, संजय जैन, ऋषभ जैन, दक्ष परिवार, दो दो व्यक्ति आएंगे सांस भेंट में, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रीता अलका दीपिका विजय हरियाणा से, आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुदीप प्रदीप अनीता लखनऊ से पधारे हैं, आपने प्रतिभा स्थली के माध्यम से एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रूपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बा, और सांस प्रदान करने के साथ आचार भगवान की पूजन का सौभाग्य हम सभी को मिलता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। जितने लोग सांस प्रदान करने ऊपर चढ़े सभी नीचे आ जाएं। हाँ। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सट आवानंद, जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम।
जय हो जय हो जय अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिम छिपामि। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आवश्यक रूप से कोई भी ना खड़ा रहे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, जन्म जरा में तू नाशना है जलम निपावी क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, अक्षय पर प्राप्त आये अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती ज्वाला। मैं काम भाव सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्य निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर बढ़ा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने पिंडरी वाले एक साथ, मैं चित्तानंद संसार वाले एक साथ, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, महामोक्ष प्राप्त आये फलम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर,
और जिए हजारों साल, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अनर्ग पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्पावयति। एक साथ आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्ण निर्पावती। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु देव्या, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वध्यायाणम, नमो लोए सभ्य साहूणम। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन व्यापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी मुनि राजों की, पूज्य मुनिश्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की, आज के मुनि दीक्षा गुरु उपकार दिवस की। अब आपको बताते हैं आज क्या है। आप सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में अपने ग्राम में, तहसील में, कस्बा में, जिला में, शहर में ऐसे बीस तारीख धर्म की प्रभावना करते हुए, अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हुए पर्यूषण पर्व आपने सानंद मनाया होगा, ऐसा हमको विश्वास है। आपके चेहरों को देखकर के ऐसा लग रहा है। जहाँ जहाँ मुनि संघ विराजमान है, आरिका संघ विराजमान है, छुल्लक जी, एलक जी आदि विराजमान हैं, और वसे प्रवचन के लिए ब्रह्मचारी भैया बहन भी गए होंगे, उन सबके सानिध्य में आपने पर्वराज पर्यूषण पर्व सानंद संपन्न किया होगा, मनाया होगा, और अहिंसा धर्म की ध्वजा को आगे पूरी समाज में, पूरे शहर में फहराया होगा। पर्यूषण पर्व के बाद क्या पहला रविवार है और सबकी भावना है गुरु जी को दर्शन करने के लिए, आहार देने के लिए और रविवारी प्रवचन सुनने के लिए, सबकी भावना है ना। अंदर से आप भावना भाव कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, अभी नहीं तो कम से कम दोपहर में हम सबकी भावना पूरी हो जाए, क्योंकि भावना भाव नाशनी कही जाती है। आज हम सच्चे जैसे भावना भाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जब भगवान सबकी सुनता नहीं सुनता है तो हम जब तक पर्यूषण पर्व मना के आए हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा। सच्चे मन से भावना भाना तभी काम होगा। आज गुरु उपकार दिवस है, आपको मालूम नहीं मालूम, आप लोग ध्यान ही नहीं रहते हो। आज के दिन परम पूज आचार्य महाराज जी के कर कमलों से 700 तीर्थ सम्य शिखर, जिसका दरवाजा कहलाता है ईश्वरी प्रवेश द्वार, बहुत बड़ा मत होता है। किसी किला में प्रवेश करने के लिए पहले प्रवेश द्वार में प्रवेश करना पड़ता है। आप चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र में आगे नहीं आए हो, सीधे आप मंच पे पहुंच गए, गुरुचरणों पहुंच गए क्या? पहले आपको दरवाजा मिला होगा, उसके पहले आपको डोंगरगढ़ का
या डोंगर गांव का आपके राजा गांव का दरवाजा मिला होगा तभी आप डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में यहाँ पर अंदर आ पाए। ऐसे 730 है, कवर दरवाजा गेट कहलाता है, ईसरी कहलाता है। आज से 40 वर्ष पहले, सोचो कितने से पहले, 40 साल पहले परम पूज आचार्य के कई कमलों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच दिगंबरी मुनि दीक्षा सानंद संपन्न हुई थी। उसमें पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी अभी आगरा में विराजमान है, पूज्य निरापक मुनि श्री समता सागर महाराज जी अभी कटनी में विराजमान है, इस मुनि महाराज मुनि श्री सुभाष सागर महाराज जी जिनकी समाधि हो चुकी है, और भी शरण सागर महाराज जी हैं, समय सागर महाराज जी हैं, ऐसे ऐसे पांच मुनि दीक्षाएं हुई थी। ऐसा गुरु उपकार दिवस है, हमसे कुछ लोगों ने आके कहा कि महाराज जी आप कितनी मुनि दीक्षा मनाते हो, हमेशा मुनि दीक्षा मनाते रहते हो, आपको खूब उत्साह रहता है। हमने कहा देखो साल में 12 महीने आते हैं, कितने महीने आते हैं, और कभी कभी 13 महीने भी हो जाते हैं, जैसे इस बार एक सावन अतिरिक्त हो गया, 13 महीने हो गए। मैं साल में 13 बार मुनि दीक्षा मनाता हूँ, गुरु कल से मनाता हूँ, गिना दूँ आपको याद हो जाएगा। कम से कम जिन आचार्य महाराज जी ने दीक्षाएं दी हैं, मुनि दीक्षाएं, अभी आलिका दीक्षा की बात नहीं कर रहे, दिगंबरी मुनि दीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले समय सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस आता है एक महीने में, दूसरे महीने में निरापक मुनि श्री समय सागर महाराज जी का दीक्षा आता है, दूसरे महीने में आता है निरापक पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज जी का और नियम सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस आता है, तीसरे महीने में आता है निरापक मुनि श्री सदा सागर जी, समता सागर जी, इन पांच महाराज का दीक्षा दिवस आता है, और आगे गिना दें चौथे नंबर में आता है मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस आता है, 8 महाराज जी मुनि दीक्षा हुई थी सोनागिर में, मध्य प्रदेश में खूब दीक्षाएं हो गई, छत्तीसगढ़ में शायद बाकी हैं और कई जगह बाकी हैं, लेकिन आज के दिन बिहार में जिसको बोलते हैं झारखंड भी आ गया ना, पहली बार मुनि दीक्षाएं हुई थी और अभी तक दूसरी बार दीक्षा हुई नहीं है। ऐसा बिहार झारखंड का पुण्य देखो कि आज के दिन वह पांच मुनि दीक्षा हुई थी। तो प्रमाण सागर महाराज जी झारखंड के हैं, पुराने रहने वाले, उनकी दीक्षा बुंदेलखंड में सोनागर में हुई थी, और जितने महाराज जी सदा सागर जी समता सागर महाराज जी हैं सब बुंदेलखंड के हैं, इनकी दीक्षा कहाँ हुई थी, ईसरी में वहां पर हुई थी। एक गुरु की महिमा अपरंपार है, कुछ कह नहीं सकता, गुरु की महिमा बन जाए। और फिर पांचवें नंबर का आता है सत पूर्णिमा दीक्षा दिवस, निरापक समाधि मुनि श्री प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी, विनीत सागर जी, निर्णय सागर जी, सत पूर्णिमा को दीक्षा हुई थी, उसमें मेरा भी नंबर आखिरी में लग गया था। अब उसके बाद आता है छठवें नंबर में अभय सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा दिवस आता है, उस समय मुक्तागिरी क्षेत्र में, एक क्यों कहा जा रहा है, हम इसी बहाने क्षेत्रों को याद कर लें, आचार्य हमारे क्षेत्र में कल दीक्षा देते हैं, क्षेत्रों की विशुद्धि अलग होती है। आप लोग विचार करो, आप यहाँ चंद्रगिरी क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र में चंद्रपुर भगवान विराजमान है और चंद्रपुर सागर महाराज जी विराजमान है, और इतने बड़े गुरु युग के महान आचार्य आचार्य जी विराजमान है, कैसा लगा आप लोगों को, विशुद्धि बढ़ नहीं बढ़ रही है ना। तो इस प्रकार से अभय सागर महाराज जी 9 महीने दीक्षा हुई थी एक महीने में, सातवें महीने का बता रहे हैं, 13 का पूरा कोटा बता रहे हैं आपके लिए कैसे हुआ पूरा कोटा। तो मुक्तागिरी जहां से 3.5 करोड़ मुनि महाराज जी मुझ को बता रहे हैं। और उसके बाद 8वें नंबर में आता है वीर सागर महाराज दीक्षा हुई थी, 25 मुनि दीक्षा हुई थी, तिलवारा गौशाला इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ प्रतिपशली भी है, वहां पर दीक्षा। 9वें नंबर में हुआ था निश्वास सागर महाराज जी की दीक्षा है, 24 मुनि दीक्षाएं हुई थी। अब हम बताने भूल गए, अभी ऋषभ सागर महाराज जी छूट गए, उसके एक महाराज जी बैठे हैं। 7वें नंबर में ऋषभ अजय संभव अभिनंदन नेवावन में दीक्षा हुई थी, जहां से 5.5 करोड़ मुनि महाराज जी दीक्षा हुए थे, उसमें से एक करते थे आपके सामने चंद्र महाराज जी। 8वें नंबर में वीर सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा 25 दीक्षा बता दी। 9वें नंबर में रामटेक में जहाँ शांति कुंज हरेनाथ भगवान है, 24 भगवान नहीं बनाई गई है, वहां पर आचार्य जी के कमलों से 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई थी। और 10वें नंबर में कौन से भगवान आते हैं,
सीतानाथ भगवान आते हैं। और मध्य प्रदेश में एक ही एक स्थान है जहां पर सीतानाथ भगवान एक ही भगवान है मध्य प्रदेश में, कि जिनके कल्याणक चाचा कल्याणक हुए हैं वो शीतल धाम विदिशा है। वहां भी अचासी के कमलों से शीतल सागर जी आदि चार मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई थी, उसका नाम अचासी शीतल धाम रखा है, जहां पर बहुत बड़ा शोषण की रचना हो रही है। और ग्यारहवें नंबर में हम आपको बताते हैं बीना बारह में संधान सागर आदि तीन महाराजों की दीक्षाएं संपन्न हुई थी। और बारहवें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर लग गया, ललितपुर में निर्गंत सागर आदि दस मुनिराजों की दीक्षा हुई थी। अब बारह महीने तो पूरे हो गए, बारह नंबर पूरा हो गया, अब एक महीना एक्स्ट्रा सावन का आ रहा है, अब कैसे याद करो आप कि तेरहवीं मुनि दीक्षा कहां पर होगी? पिछले वर्ष से ही आपको याद दिला रहे हैं सिरपुर में अंश पार्श्वनाथ भगवान में एक मुनि दीक्षा हुई थी पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज की। इस तरह से दीक्षा दिवस का इसलिए बताया जाते हैं कि गुरु महाराज जी ने हाई को लिखा है जिसमें अच्छा से लिखा है पथ को कभी मिटाना नहीं होता, पथ पर चलोगे पथ कभी भी मिटेगा नहीं। जो गांव देहात में पगडंडी होती है अपने आप लुप्त हो जाती है, वो चलना बंद हो जाता है, जो सड़क होती है उसमें हमेशा चलते रहते हैं, आवागमन होता रहता है, तो हमेशा सड़क दिखती रहती है। ये मोक्ष मार्ग का पति ऐसा है। आप सबने पर्यूषण में तत्तासुत की वाचन किया होगा, स्वाध्याय किया होगा ना, उसमें क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरितणी पढ़ो ना। अब इसका उल्टा लगाओ, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरितणी कौन सा मार्ग है? सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र तो मोक्ष के मार्ग हैं, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र तो संसार के मार्ग हैं। आज के दिन गुरु महाराज ने कृपा की पांच पांच साधक के लिए कहा है, इन्होंने निवेदन किया मुझको संसार मार्ग में नहीं रहना है, मुझको मोक्ष मार्ग में रहना है। तो आचार्य मंच के कमलों से 28 मूल गुण उनका आरोपण करके उनको जगमृत दीक्षा दे दी गई है, ऐसा बहुत महत्व होता है। तो पथ पर चलना है, जहां मील स्टोन लगे रहते हैं ना, मील का पत्थर लगा रहते हैं, इतने किलोमीटर इतने एक फलाना गांव इतने दूर है, फलाना गांव यहाँ दूर है, यहाँ जाने का रास्ता ये है, यहाँ जाने का रास्ता ऐसा है। तो मील के पत्थर जो कहलाते हैं उनकी सुरक्षा करनी है। वो कौन से मील के पत्थर है कहलाते हैं? जिनवाणी माँ गुरु महाराज कहलाते हैं, मील के पत्थर कहलाते हैं, शिव पसे चलते और चलाते औरों को भी आ रहे यहाँ, क्योंकि आज गुरु उपकार का दिवस है। ऐसा संयम लब्धि का उनको स्थान मिला था। इसकी क्या विशेषता होती है? सबके घर में बिजली की फिटिंग है कि नहीं है? आपने देखा होगा ना, लाइट की फिटिंग होती है ना, बिजली की फिटिंग, तार की फिटिंग होती नहीं होती है ना। अब उसमें सब में इंसुलेटर लगा रहता है, जिसको हिंदी में केबल बोलते हैं। यदि उसका केबल जो तार रहते हैं उनका केबल जल जाता है या सड़ सड़ हो जाता है, कुछ घटना हो जाती है, तो उसकी रबड़ जो होती है पिघल जाती है, प्लास्टिक पिघल जाती है, तो उससे क्या हो जाता है? तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, और भी ऐसे भयानक घटना घट जाती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए सभी लोग नंगे तारों को नहीं लगाते हैं, जिसमें केबल लगी हो ऐसे तारों की फिटिंग करते हैं, घर में कोई भी दुर्घटना ना हो। ये अनादि काल से मिथ्या दर्शन के बसी घर के ये जीव घूम रहा है, इस ये बिना केबल का घूम रहा है, इसमें कोई भी इंसुलेटर नहीं है। आज के दिन गुरु महाराज ने कृपा करके ऐसे पांच पांच दीक्षार्थियों के लिए संयम रूपी जो इंसुलेटर है, जिसको केबल बोलते हैं, उससे कवर कर दिया था। अब आपका संसार में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, संसार में अभी आप अब आगे भटकोगे नहीं। ऐसी दिगंबर मुनि दीक्षा का ऐसा अजूबा होता है। उस समय जिस समय जब देश आजाद होना रहता है, हो होना था, तो उस समय जितने भी हमारे सेनानी संग्राम सेनानी हैं, कौन सा नारा कौन सी बात कहते थे? सरफरोशी की तमन्ना, क्या बोलते थे बता बच्चों? सर फरोसी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। हाँ, तो ऐसा उत्साह रहता था उनके लिए, क्योंकि उनके मन में भावना रहते जी मुझको देश को हमको आजाद करना है। यही भावना लेकर के इस मोक्ष मार्ग में वह साधक आगे बढ़ता है, गुरु चरणों में पहुंचता है, भावना भाता है कि मुझे अपनी आत्मा को कर्मों से आजाद करना है। कर्म कितने हैं? 1, 2, 3, 4 पूरे 8 कर्म हैं। उनकी फौज गिनाओगे, आपने गिनी होगी ना कितनी उनकी फौज है 8 कर्मों की, 148 प्रकार के उत्तर प्रकृति मिलाकर के उनकी फौज हो जाती है। इन कर्मों से आत्मा को जीतना है तो मुझको यह मार्ग अपनाना पड़ेगा। और आज के दिन गुरु महाराज ने कृपा कर दी और ऐसा हो गया। अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि 2 तारीख को, कल 2 अक्टूबर है, अहिंसा दिवस है, और से शाकाहार हथकरघा का सम्मेलन है, चलचल का सम्मेलन है बाहर, कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश और से जहाँ पर ऐसी जैन अजैन सभी महिलाएं जेल वगैरह में कार्य कर रही हैं, हथकरघा से अपने वस्त्र बन रही हैं और हम सबके लिए अहिंसक वस्त्र प्रदान कर रही हैं। उन सबका सम्मेलन भी है। और कल दोपहर को एक प्रतियोगिता हुई थी www.bizdasa.guru पर, ऑनलाइन हुई थी, अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल कि हम किस तरह से उस अंग्रेजी के वस्ते भारत अभी भी गुलाम है। कैसा गुलाम है? एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी बकरी इंग्लिश में बात करती है, मेरी बकरी अंग्रेजी में बात करती है। कैसे बात करती है बताओ? अच्छा, उससे प्रश्न पूछा गया, बताओ अच्छा अप्रैल महीने के बाद में कौन सा महीना आता है? तो वो कहती है मैं। उससे पूछा अप्रैल महीने के बाद में कौन सा महीना आता है? मैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछो, वो उत्तर दे देगी। पूछो जून के पहले कौन सा महीना आता है बताओ? ये इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम की स्थिति भारत में होती जा रही है, इसलिए आचार्य मुझे आशीर्वाद उनकी प्रेरणा से ही यह प्रतियोगिता रखी गई थी जिस पर 5-6 हजार लोगों ने उसमें भाग लिया, उसे पुरस्कार भी। तो हमको उस गुलामी से अपने आप को बचाना है, चाहे मानसिक गुलामी हो, शरीर गुलामी हो, भाषा गुलामी हो, तभी हम किस मार्ग को अंगीकार करना पड़ेगा। और वही अंगीकार कर सकता है जो मन में संयम रखता है, मन को अपना कंट्रोल रखता है। परसों त्याग के दिन आपने प्रवचन सुना होगा आचार्य महाराज जी का कि वे रामचंद्र जी क्या हैं? रामचंद्र जी सबको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ऐसा उसका आचार विचार सीन है कि रामचंद्र जी सबको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अपने मन को डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं। क्योंकि मन को राग में लगाओगे, मन को संसार में लगाओगे तो मिथ्या दर्शन मिथ्या चरित्र के काम होगा, संसार में बढ़ेगा। और मन को उदास करोगे, मन के दास नहीं बनोगे। तो आज का दिन गुरु उपकार दिवस है, गुरु ने कृपा की थी, इसलिए की थी कि जिनने सोचा था कि मुझको मन के दास नहीं बनना है, हमको तो मन से उदास रहना है। जहां मन से उदास रहता है तब कहीं जाकर के है दिगंबरी पद प्राप्त होता है। इसलिए मन से उदास को आप ध्यान रखो। कहा गया है जो सिंहनी का दूर होता ना, सिंहनी का वो किस में ठहरता है? सोने के पात्र में ठहरता है। लेकिन अहिंसा धर्म की ऐसी महिमा है कि आपने सभी वेदियों में देखा होगा कि वहां पर अहिंसा के प्रभाव से ऐसे अहिंसा के तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, वहां पर भी शेर और बकरी गाय एक साथ आकर के घाट में पानी पीती है। इसलिए आप लोग उस वेदी के नीचे चित्र बनाते हैं कि सेनी का दूध गाय का बछड़ा पी रहा है और गाय का दूध सेनी का वह सावक जो शेर का बच्चा होता है वो पी रहा है। तो सेनी का दूध जबकि एक कहने सुनने में आता कि वह सेनी का दूध कभी भी आपके अन्य बर्तन टिकता नहीं है, सिंघनी का उसका सोने का पात्र चाहिए। बंधु इसी प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाणी जो होता है इनको धारण करने के पात्र होता है दिगंबरी मुनि भेष ही होता है, इसका कोई भी भेष नहीं होता है। इसे ध्यान रख लेना कि ऐसे भेष को धारण करने के लिए ही, उसको प्राप्त तत्व को प्राप्त करने के लिए ही यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसको आज से नहीं, जब से अनादिकाल से प्रक्रिया चलती आ रही है। अनंत तीर्थंकर भगवंत हो गए हैं, उनने भी
प्रक्रिया अपनाई है और सब अजत संभव ने अपनाई है, आगे भी अपनाई जाएगी। पंचम काल तक ये कार्य चलता रहेगा, चिंता नहीं करना। कोई लोग सोचते हैं कि पंचम काल में होता नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी आप तैयारी कर लो, बाद में जब मौका आएगा। उदाहरण बता अपनी बात समाप्त करता हूँ। किसी ने बोला पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, महाराज जी है कि नहीं मोक्ष? तो महाराज जी कहीं गलत तो बोलेंगे नहीं ना, पंचम काल में मोक्ष की है नहीं है बताओ, पंचम काल में मोक्ष की नहीं है? मोक्ष नहीं है ना, हम भी कह रहे हैं, महाराज जी भी कह रहे हैं, गुरु जी भी कह रहे हैं, जिन्होंने ठीक है। अब आपके अनुसार जब मोक्ष नहीं है तो हम काय को मुनि बने, काय को धर्म पालन करें, काय मुनि काय श्रावक बने, क्यों प्रतिमा अंगीकार करें, क्यों विधान पूजन आदि करें, कुछ भी नहीं है तो हम क्यों करें जब पंचम काल में मोक्ष ही नहीं है? तो प्रश्न सही है आपका ना, इसका समाधान आपको मालूम कि नहीं मालूम? कुछ लोग आपको ऐसा बहकाना चाहें तो आप उनको कह सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। अब ये बताओ, जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी कमी पड़ जाती है, तो उस समय क्या होता है कि शासन व्यवस्था करती है कि जनता प्यासी ना रहे, इसलिए शासन जो टैंकर होते हैं ना पानी के टैंकर, उनको पानी भर भर करके मोहल्ले मोहल्ले गली गली भिजवाती है जहाँ पर कि पानी की दिक्कत जा रही है, ताकि जनता को पानी मिल जावे। अब आप क्या करते हो, अब आप एक करते हो कि पानी का टैंकर तो सुबह 6 बजे आएगा, अब सब लोग प्यासे हैं, सबको प्यास लगी है, सब पानी चाहते हैं, क्योंकि अनादि काल से हम तो भटक रहे हैं, कर्मों के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो हमको तो धर्म रूपी अमृत मिल नहीं पा रहा है, प्यासे तो क्या करें। तो समझदार लोग ऐसे करते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे जाकर के अपना डब्बा अपनी बाल्टी के अनादि लगा देते हैं, जब भी टैंकर आएगा और उसका जब नल खोलेगा तो पानी हमको सबसे पहले मिल जाएगा। ऐसे हो सकता है कि पानी खत्म हो जाए, भीड़ भाग का धक्का में लग जाए, इसलिए पहले नंबर लगा लो। संसार के काम में आप तो पहले नंबर लगा लेते हो, उसे कमी नहीं करते हो। इसी प्रकार से कहना चाहते हैं, पंचम काल में अपनी बाल्टी कैन है और जो भी आपके जैसे बर्तन आदि हैं, जिसमें अपन को प्रभु की गुरु की अमृत वचन को अपन को पानी सुरक्षित रखना है, उस बाल्टी को तैयार रखो कि जब चौथा काल आएगा, तीर्थंकर प्रभु का स्मरण रचेगा, उसमें आचार्य महाराज सब ऐसे उसमें विराजमान होंगे, समर्षण में हम सबको वह धर्म रूपी पानी मिलेगा, जल मिलेगा, हमारा डब्बा कैन आगे लगा रहेगा तो हमको आराम से मिल जाएगा। ऐसी भावना भाते रहना चाहिए, इसलिए भावना भाव नाशनी कहा गया है, आलो भावना भाते रहना। अभी का समय आपका पूरा हो गया है, दोपहर के लिए भी गुरु महाराज जी पधारे, ये सबकी भावना है, और अभी गायक लोग ये सब कह रहे संचालन कर रहे, पधारो बाबा, हम सबको विश्वास है कि बाबा पधारेंगे, हमारी भावना पूर्ण होगी, बस माहौल बनाए रखना, सुबह जरूर होगी। हाँ, और आज बहुत अच्छी बात ये भी है कि आज कौन है बताएंगे, हाँ एक वैज्ञानिक है जो 5 प्रकार के मोटे अनाज को लेकर के अन्य प्राकृतिक चिकित्सा को बता करके बताते हैं, हाँ तो वो आने वाले हैं, और उसके लिए आचार्य से आशीर्वाद दिया है, आचार्य से अपने दोनों आसन को आशीर्वाद दिया कि हाँ हम वर्तमान को भारत को बचाना है, तो हमको गुरु जी ने जैसा संकेत किया है उस हिसाब से प्राचीन भारत को अपनाने की प्रक्रिया करना पड़ेगी, वो सब बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मसू सदा दिख ए जनवाणी भारती तुम जपो दिन ज्योति रो शरणा गयी।